मोदी जी का भाषण चल रहा है और अब हम निकलते हैं। तो गाइस हम लोग मुनार पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले गाड़ी को निकालता हूं बाहर। तो हमारे कुछ भाई लोग मिले हैं, उमेश भाई पौधार हमारे पास गांव के, हरीश टाकली भाई और मच्छा भाई। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आ जाएगी। सुरेश भाई जो हमारे डेली ब्लॉग में कमेंट मारते रहते हैं, तो सुरेश भाई नहीं आ रहे हो क्या? हाँ वो है, तुला होंगे वो। हेलो, चलो फिर चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो बधाई हो। तो अभी हमें इंटर राष्ट्रीय गान होता हुआ, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे हम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज टागली ब्लॉग। और आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज के दिन ही भारत आज़ाद हुआ था। और सबसे बड़ी खुशी बात ये वाली कि 8 साल के बाद मैं अपने इंटर कॉलेज जा रहा हूँ। तो आज प्रोग्राम होने वाला है, मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं चंदन भाई और महपाल भाई, तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ये वाली रोड जाती है मुनार को, हम यहाँ से हमारा जो गाँव है वो 2 किलोमीटर लगभग है और हम 2 किलोमीटर पैदल चल के आते थे यहाँ से। पूरे मतलब कक्षा 6 से लेकर 12 तक यहीं पढ़ा हमने। और ये रहा इंटर कॉलेज सॉन्ग, अभी कुछ ही देर में स्कूल के बच्चे तो आगे, यहीं पर ले चलता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो जो भी इस स्कूल से पढ़ा है कमेंट करना कि मैंने भी इस स्कूल से पढ़ा है, ठीक है? तो ये याद है हमें जब महपाल भाई छुट्टी होती तो कैसी रेस लगती थी यहाँ पे बच्चों में है? वहाँ से जब गो बोलते थे तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रेस लगी रहती थी हमारी। तो आज वो दिन याद आ रहे हैं और आपको बताएंगे हम स्कूल में क्या क्या करते थे, ठीक है? यहाँ तो पूरा वो हो गया भाई, यहाँ पर भी क्रिकेट खेलते थे हम ना, यहाँ पर भी क्रिकेट खेला करते थे और यहाँ पर भी क्रिकेट खेला करते थे। वॉलीबॉल का फील्ड ये वाला है, यहाँ पे ये था हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड ये वाला। हम तो वो जितने भी टीचर थे वो है ही नहीं अपना, अब नए आगे सब कौन पहचानते हैं हमको। यहाँ पर भी क्रिकेट खेला करते थे हम और यहाँ पर भी। ये था साइंस, जो साइंस था जिनका उनका ये वाला था और 8 साइड वाले पूरे उधर को। यहाँ पे सातवें मतलब ये हमारा पुराना कैंटीन स्कूल का। और भाई लोगों भूख लगी है, बिस्किट खा रहे हैं, चक्कर आ गया था। तो प्रोग्राम किस किस का है फिर? सबसे खतरनाक किसका प्रोग्राम होने वाला है? पता नहीं किसका होगा, नए स्कूल ना होनी, सबसे खतरनाक है प्रोग्राम आज। गाना डांस क्या तेरा है? चल आपकी वीडियो भी शूट करेंगे। और ये है हमारे कंटीन वाले, यहाँ हम खाया करते थे एक टाइम पे, क्यों अक्सर नहीं एक टाइम आते थे, 10 रुपए होते थे जेब में उस टाइम पे ना, उधार ले खाई, उधार भी खाया था हमने यहाँ पे। आपको भी बहुत बहुत बधाई है आजादी की। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए क्योंकि आप कितने साल से चला रहे हो कंटीन? हो गए 20 साल। 20 साल हमें भी खिलाया और अब आगे जितने भी बच्चे इनको भी खिला रहे हो। तो क्या इनके हाथ का जो खाने का टेस्ट था कह रहा हूँ, 2 रुपए में चना मिलता था उस टाइम पे। आज कुछ रेट कुछ आगे बढ़ा, 10 हो गया
स्वाद स्वाद गजब। ये देखो अभी आलू की गुटके बनाने वाले हैं। वो याद था जब हम 2 रुपए में खाया करते थे यहाँ पे, क्यों दाजू? और आज क्या रेट है? 10 रुपए प्लेट। तो आप बनाइए, खिलाइए स्कूल के बच्चों को। बहुत सारे लोग देखेंगे जो स्कूल से पढ़ चुके हैं इस वीडियो को, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? चलो बुला दियो, आज तक कैंटीन में हूँ। धन्यवाद। अच्छा, आते रहिए, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई है। तेरा क्या प्रोग्राम है फिर आज? हेलो हेलो हेलो, क्या क्या प्रोग्राम है फिर तुम लोगों का? ड्रामा। ड्रामा? किस ड्रामा? कौन से ड्रामा है? बस नहीं, हेलो हेलो, स्कूल आवाज को क्या हो गया तेरे? अभी आता हूँ फिर नीचे। तो हम लोग पहुंच गए इंटर कॉलेज सॉन्ग में। स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। मैं तनु और इसके अलावा सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे कि अगर आपका नाम पुकारा जाता है, जो प्रोग्राम यहाँ पर 20 प्रोग्राम है, अगर जो बच्चे टाइम से नहीं आएंगे, क्योंकि संक्षिप्त कार्यक्रम है, नाम ले लिया जाए, तुरंत दिया जाए, ये नहीं कि आपको बार बार बुलाना पड़े, आप लोग कहेंगे मैं तैयार हो रही हूँ तैयार हो रहा हूँ, तो इतना मौका नहीं मिल पाए। स्कूल के बच्चे बन के आ रहे हैं, टाइम अभिभावक बन के आ रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? फुल मजा आने लगे स्कूल में आ रखे से मनाया जा रहा है। अब चूंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, सरस्वती वंदना, यही टॉफी बिस्कुट स्कूल के लिए, क्षेत्र पंजाब सदस्य, वेलकम 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 वेलकम, स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ये हमारे क्लासमेट पहुंच गए, जित्तू भाई, कैलाश भाई और मुकेश भाई। हेलो ब्रो। देशभक्ति गीत गाने जा रहे हैं हमारे स्कूल के छात्राएं, लेकिन माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण आवाज़ साथ नहीं आ रही है।
भाषण के लिए जा रहे भाषण अमर भाषण जीतू दिनी तू दिने भाषण है हमारे टाइम को दिनी भाषण आप ध्यान पूर्वक इनको सुने, विद्यालय में केवल एक ही कार्य नहीं होता पढ़ाने का, विद्यालय एक ऐसा मंच है जहाँ पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पर बच्चे अगर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो संस्कृत में भी बोलते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। बच्चे देश है संस्कृत के श्लोक। माठू माठू गाना प्रस्तुत हो रहा है, इसके लिए एक लाइक और एक कमेंट कर देना आप लोग। तो आशीष कहाँ आया? यो बात छोड़ दिया।